वेलकम इन ब्यूनिक चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं रंजना अग्रवाल आज आपको बहुत ही इजी वे में घर पे आप किस तरह छीना बना सकते हैं बहुत ही आसानी से वो बताने जा रही हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरा जो भी नया वीडियो आए आप उसे देख सकें। इसके लिए मैंने 1 kg दूध लिया है और फिटकरी ली है। ये देखिए मैंने दूध उबलने चढ़ा दिया है। अब दूध उबल, ये देखिए हमारा दूध जो है बिल्कुल खौलने लगा है। अब इससे पहले मैं इस तरह से हल्का सा चला दूंगी। अब इसमें जो मैंने फिटकरी ली है ना, ये वाली, ये देखिए इसे मैं इस तरह दूध में डाल के इसे चलाऊंगी। ये जो हमारा छेना है, जब मैंने फिटकरी डाल दी तो ये छेना अब इसमें बनने लगेगा। दूध में दूध खौल रहा है तो आप गैस की फ्लेम को कम कर दीजिए, लो कर दीजिए। धीरे धीरे ये छेना फट जाएगा। ये लग रहा है, देखिए अभी इसने पूरा छेना इसका नहीं फटा है दूध का, देखिए दूध ने पानी नहीं छोड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी फिटकरी और डाल देंगे। मैंने 2 टुकड़े फिटकरी की मैं और डाल देती हूँ। चलाते जाने से जब तक ये हमारा दूध पूरा छीना नहीं छोड़ दे तब तक हमें चलाना है। ये देखिए ये अब दूध जो है बिल्कुल पानी छोड़ दिया है। देखिए छेना और पानी एकदम अलग हो गया है, यानी ये हमारा छेना फट के तैयार हो गया है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका छेना बिल्कुल सॉफ्ट बने तो आप इसे क्या करें कि जैसे देखिए ये फट गया है तो 5 मिनट इसे और खोलने दें और उसके बाद इसे 1 घंटा के लिए यूं ही ढक के छोड़ दें। ढक के छोड़ने से क्या होगा कि छेना बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। मैं गैस बंद कर रही हूँ और इस पर इस तरह ढक के इसे छोड़ दूंगी 1 घंटे के लिए। ये देखिए ये हमारा 1 घंटा हो गया है छेना ढके हुए। ये देखिए हमारा छेना इस तरह हो गया है। अब हम इसे किसी भी चलनी में छान लेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से एक बाउल पे एक चलनी लगा दी है और इसमें जो मैंने ये छीना फाड़ा हुआ है ना इसे धीरे धीरे इसमें डाल दूंगी। ये धीरे धीरे इसका सारा पानी इसमें निकल जाएगा। 10 मिनट इसे ऐसे ही छोड़ देना है। अब इसे मैं दूसरे बाउल पे रख दिया है मैंने ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। 10 मिनट इसे छोड़ दूंगी, पानी अच्छे से निकल जाएगा पूरा इसका। ये देखिए ये हमारे छेने का पानी जो है बिल्कुल झड़ गया है, देखिए नहीं निकल रहा है ना, तो इसे मैं इस तरह इसमें निकाल लूँगी। अब अगर आपको इसको फीका ही रखना है, मतलब कि अगर आपको सब्जी में यूज़ करना है या किसी और चीज़ में यूज़ करना है तो आप इसे ऐसे ही रख सकते हैं। और अगर आप इसे मीठा खाना चाहते हैं तो इसमें चीनी मिला के अच्छे से मैश कर दीजिए और फिर उसे जिस तरह चाहे आप
खा सकते हैं। फ्रिज में रख के ठंडा करके भी खाने में ये बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए जो छीने का पानी निकला है, इसे आप फेंकिए मत, इसका आप आटा गून लीजिए तो आपकी रोटियाँ जो है बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। और इस पानी को आप दोबारा छेना फाड़ने में भी यूज़ कर सकते हैं। जो मैंने छेना फाड़ते समय फिटकरी यूज़ की थी, तो अगर आपके पास ये छेने का पानी है तो आप इसी से छेना फाड़ सकते हैं। ये देखिए ये हमारा छेना देखिए कितना सॉफ्ट हुआ है बिल्कुल। तो मैं तो इसमें चीनी ऐड करूँगी। ये देखिए इस तरह चीनी, इसमें मैंने 3 चम्मच चीनी डाल दी है। अब इसे अच्छे से मिला देना है। तो इस तरह देखिए मैंने तो इसमें चीनी मिला ली है। अब इसे ढक के मैं फ्रिज में 1 घंटा करीब रख दूंगी, बिल्कुल चिल हो जाएगा तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा छेना तैयार हो गया है, मैंने फ्रिज में रख दिया था 1 घंटा। ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, खाने के लिए तैयार है। आप इसे नवरात्रि में भी बना के खा सकते हैं, प्रसाद लगा सकते हैं, खाने में ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसे किसी भी चीज़ के साथ खाया जा सकता है। घर छेने से खाने से बहुत बॉडी में एनर्जी आती है। जब फास्टिंग करने पे वीकनेस लगती है तो आप इसे खाइए, आपकी वीकनेस सारी दूर हो जाएगी। मैंने और भी फास्टिंग स्पेशल रेसिपीज़ दी है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी बना के खा सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। इसे बना के छेने को ज़रूर आप खा के देखें कैसा लगता है। अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। फिर कुछ नया लेके आपसे मिलती हूँ। थैंक यू।